रात को 10 बजे गिर गई छत मेरे पर। जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड आई है। सोता हूँ भाई टुकड़े गिरते रहते हैं, पक्का चलता है, टुकड़े मेरे पर गिरते रहते हैं। ये चिट्ठी है जी जल बोर्ड वालों की, अब वापसी आ कर दी उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने सब जगह एप्लीकेशन लगाई है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तरीशा। दिल्ली में आए दिन जर्जरा इमारत के गिरने के मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे जिसमें इमारत गिरने से आसपास के लोगों को भी खतरा होता है और आसपास के लोगों की भी जान चली जाती है। अभी इस वक्त मैं दिल्ली के रघुबीर नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ जो है एक उम्रदराज व्यक्ति मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि इनकी इमारत जो है वो नीचे से झुक गई है, जिससे इन्हें जान का खतरा है। इनकी इमारत जो है वो कभी भी टूट सकती है। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने MCD में भी कंप्लेंट करी, कई डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट करी, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? विजय कुमार, सना ब्लेड पृथ्वीराज। कब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बिल्डिंग मतलब गिरने वाली है? 2019 से एप्लीकेशन लगा रखी है MCD में, और 2019, 2022 को सब जगह एप्लीकेशन लगा रखी है। इधर आए थे MCD संतोष कुमार जी आए थे, वो आते जो भी आता है रिश्वत लेके चला जाता है। वो कोई रिश्वत ली गई है मेरे से नहीं, वो उनसे लेके जाता है। ये मोटर तोड़ लगा रखे, सीढ़ी तोड़ के लगा रखी है। सारा घर में पानी आता है, सारा घर गीला होता है। तो घर भी गीला रहता है? सारा गीला रहता है, हमेशा गीला रहता है। बोर्ड का स्विच भी गीला हुआ है। तो आपने बताया नहीं कि आपको ही नहीं, इसके आसपास के लोगों को भी खतरा है अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो? तो किसको बताओ, सब मेरे से जलते हैं, सब लड़ते हैं, बहुगज बैठना हर जगह है इनका। सब मेरे से ऐसे ही करते हैं। मैं अकेला रहता हूँ जी, बस किसी से बात नहीं करता। मैं बाहर बैठता हूँ स्कूल के आगे, वहाँ उधर से किसी राम राम दुआ सलाम होगी नहीं तो अपना अकेला मस्त रहता हूँ जी। कोई बिल्डिंग का टुकड़ा गिरा हो? ये सब छत गिर गई ये मेरे ऊपर। रात को सोया 10-29 तारीख, 6वां महीना, रात को 10 बजे गिर गई छत मेरे पर। जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस आई है और DSU वाले आए हैं। MCD वाले को फ़ोन आया था, क्या बोला? तेरा क्या हो गया, ये हो गया, कहता गिर गया, पूरी मकान गिर गया। क्या मैंने ये लैंड प्लस्तर गिर गया, सब पुलिस वालों ने बात करी थी बस। फिर कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं। वो देखते नहीं, सीनियर सिटीजन पुलिस को फ़ोन किया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। किस किस डिपार्टमेंट में आप गए इसको कंप्लेन लेकर? ये MCD पे गया हूँ मैं, फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ खुद ही आए थे फ़ोन से, और DSU वाले भी आए थे, सबको आए थे। कोई गाँव सुनता नहीं। मैंने बताया सबको, ये मोटर लगा रखी है, कोई नहीं सुनता है। भाई वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सब उधर उधर भेज देते हैं। MCD के कौन से जोन में पड़ता है? MCD राजा गार्डन पड़ता है जी, राजा गार्डन में। तो वहाँ पर आपने कंप्लेन की? हाँ जी, 2019 को, 2020 को, 2021 को, 2022 को, सब मेरे पास एप्लीकेशन लिखी हुई है, सारी एप्लीकेशन लिखी हुई है मेरे पास। मेरे पास है, कोई नहीं कार्रवाई। साल से आप कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कोई भी असर नहीं दिख रहा है कंप्लेन? कुछ नहीं, आते हैं उससे मिलते हैं, आशा से मिलते हैं, पैसे लेके चले आते हैं। सीढ़ी का तोड़ के सीढ़ी मोटर लगा रखी है, सिर्फ 3 कनेक्शन अवेज लगा के हुए हैं। मेरे पास मीटर लगा हुआ है पानी का, किसी का मीटर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के निगम पार्षद से बात हुई, उनसे कंप्लेन किया? के पास गंगवाल पास गया हूँ, 3 बार गया हूँ मैं, वो कोई नहीं सुनता। करा भेज नहीं सुना, वो कह रहे हैं MCD वाले भेजेंगे, कोई ना आया जी, कोई भी नहीं आपकी मदद के आया, कोई नहीं आया। आसपास के पड़ोसियों को भी तो एक तरीके से खतरा है, तो क्या उन्होंने भी कंप्लेन नहीं करी इसको लेकर? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करता, उनको क्या मतलब है, उनको मेरे घर से मतलब कुछ नहीं है जी, सब अपने अपने घर में मस्त है। तो आसपास के लोगों को भी तो खतरा है एक तरीके से, जान कर सकते हैं जी। कोई कुछ नहीं करता, मेरे से कोई बात ही नहीं करता। गली में बहू जगह जगह बैठती फिरती, बहू के 7 घर हैं यहाँ पे सामने, 1, 200, 496, 497, 498, 499, 518, एक और है उधर सीला करके, सब इसके साथ ही हैं। मेरे साथ कोई नहीं है गली में, बस गली में साथ भी नहीं दे रहा है इसको लेकर आप? गली में साथ नहीं देता है। उधर स्कूल के पास बैठता हूँ, वहाँ 2-4 बंदों से राम राम दुआ सलाम होती बस, और कुछ नहीं। अपने घर पे आकर लेट जाता हूँ बस मैं। तो इसमें से मतलब आए दिन प्लस्तर वगैरह गिरता रहता है? ये गिर गया जी 29 तारीख को, गिर गया रात को 6वें महीने को, 29 तारीख को गिर गया। और अब ये गिर रहा, रात को सोता हूँ भाई टुकड़े गिरते रहते हैं, पक्का चलता है, टुकड़े मेरे पर गिरते रहते हैं। तो आपको डर है कि आपका जान को खतरा है? कभी गिर जाए, मेरी जान को खतरा है जी। ये बाकी चटक रहा है, ये भी गिर जाएगा। आपकी मांग क्या है, क्या बोलना चाहते हैं आप सरकार? मेरे को मदद मिलनी चाहिए, कोई मदद मिल जाए मेरे को कहीं से। वैसे तो आप भी तो इसको ठीक करवा सकते हैं क्योंकि आप ही का घर है। एक महीने में 13 साल से खा रहा हूँ। मेरा ऑटो रिक्शा था सब बिक गया, बैटरी रिक्शा था सब बिक गया, मेरे पास कुछ पीतल के बर्तन थे सब बिक गए। पैसों की तंगी की वजह से आप घर को रिपेयर नहीं कर पाए। पैसा एक भी नहीं है जी, पैसा होता तो मैं रोटी खुद ही खाता था, खा सकता हूँ। पैसा एक भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं बचता है। मेरा टीवी ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, सब कुछ ख़राब पड़ा, सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। ये चिट्ठी है जी जल बोर्ड वालों की, अब वापसी आ कर दी उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने सब जगह एप्लीकेशन लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है जी। ये आपने कंप्लेन मिली थी, वापस हो गई, वापसी आ गई है, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अगर चौकी में भी करती वो भी वापसी आ जाती है। ये जल बोर्ड वालों की है, MCD वालों की पड़ी हुई है। पर मेरे पास हमने 2019 को, 2020 को, 2021 को करिए। अब मेरे पास पैसा नहीं है कि एप्लीकेशन लगा, 4-4, 5-5 सौ रुपये लगते हैं ये एप्लीकेशन लगाने में, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इनको खतरा है कि इनकी जो बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती है। आप ऊपर की भी हालत देख सकते हैं, काफ़ी बुरी हालत है। और एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इनको खतरा है, और इनको ही नहीं साथ साथ आसपास के लोगों को भी खतरा है। इन्होंने MCD में जो है करीबन 3 साल से जो है कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी असर जो है नहीं दिखता हुआ मिल रहा है। और इनको डर है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है और इनकी जान जा सकती है। अब ये चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए, इस घर को रिपेयर किया जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये काफ़ी गरीब हैं, ये अपने पैसों से जो है इस घर की मरम्मत नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये सरकार से मदद चाहते हैं कि सरकार जो है इनकी मदद करे और इनके घर को रिपेयर करे और इनकी जान बच जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपटूडेट।